एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो गला बहुत खराब है क्योंकि जैसे कि आप जानते हो दिवाली थी, त्योहार थे बहुत सारे और भाई दूज था और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई भी गई, खाई भी गई, तो बहुत सारे पकवान बने, बहुत सारी मिठाइयाँ आई, बहुत सारी चीजें खाई गई, तली हुई भी थी और बाजार की चीजें भी थी। तो जिनको आप चाह कर भी ना नहीं कह पाते तो उसकी वजह से थोड़ा गला खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा अपना जो हेयर केयर टिप है वो मिस नहीं होना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी आप मेरे टिप्स देखते हैं उनको इस्तेमाल जरूर करते होंगे और उसका फायदा उठाते होंगे, क्योंकि ये सारे अजमाए हुए नुस्खे हैं। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जिसमें बहुत मेहनत लगती हो या जिसको मिलने में कठिनाई हो, तो ऐसा नहीं है। सब चीजें इजीली अवेलेबल होती है जो भी मैं टिप्स देती हूँ आप लोगों को, और वो सब मैं खुद बहुत सालों से अजमा भी रही हूँ और उसके फायदे भी आप देख सकते हो कि बाल अच्छे हैं। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल मैं क्योंकि रेगुलर करती हूँ तो मेरे बाल यकीनन काफी अच्छे हैं। तो अब चाहे आप उम्र कोई भी हो, आप सभी चाहते हैं कि बाल अच्छे घने मजबूत रहे, और उसके लिए हम अलग अलग उपाय भी करते रहते हैं। तो एक जो चीज है बाल धोने के लिए, मोस्टली अब हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल ही करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। बस आपने उठाया, हाथ में लिया, लगाया सर पे और काम खत्म। ना कोई भिगोने का झंझट, ना कोई उबालने का झंझट, कुछ नहीं। तो इसलिए हम जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ है, हम हमेशा अब चाहते हैं कि चीजें फटाफट से हो जाए, उसको करने में टाइम ना लगे। तो इसी भागती दौड़ती दुनिया में हमारी आदतें भी काफी बदल गई हैं, हम लोग भी उस दौड़ का एक हिस्सा हैं। तो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते उन चीजों को जिनको बनाने में करने में थोड़ा टाइम लगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो उन केमिकल्स से आप बच सकते हैं जिससे बाल ना सिर्फ खराब होते हैं, झड़ जाते हैं, उनके रिएक्शंस हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे पुरखों ने इस्तेमाल की है, या हमारे सालों साल हम जब इन सब चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था, शैम्पू नहीं बने थे, साबुन नहीं बने थे, तो उस समय बाल धोने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, मुल्तानी मिट्टी। जी तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी, आप जरूर सोच रहे होंगे कि मुल्तानी मिट्टी का नाम के हिसाब से मुल्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और पहले भारत का एक हिस्सा था, तो उससे तो नहीं संबंधित है। तो बिल्कुल आप सही समझे कि मुल्तानी जो मिट्टी है वो पाकिस्तान में स्थित मुल्तान से ही आती है, और सालों साल पहले लोगों ने उसका उसमें क्या गुण है उसका उन्होंने जानकारी उनको मिल गई, और ना सिर्फ मुल्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया भर में इसको फुलर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये इजीली मिल जाती है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या पंसारी की दुकानों पे भी मिल जाती है, जो आपके नियर बाय ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो उस ये एक ऐसी मिट्टी है जो जल्दी से आप भिगोते हैं तो अच्छे से वो एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाती है। उसको आप भिगोइए और अच्छे से जब भीग जाती है कुछ घंटों में, कुछ घंटे भी नहीं लगते, फटाफट से भीग जाती है। तो उसमें उसको आप देख सकते हैं कि क्रीमी उसका एक पेस्ट जैसा बन जाता है, और उसको आप बालों में लगा के बाल धो लें तो बाल एकदम सुंदर नरम मुलायम हो जाते हैं। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमेशा हर हफ्ते का एक रूटीन होता था कि पूरे शरीर में भी मुल्तानी मिट्टी लगेगी, बाल भी धोए जाएंगे,
तो हम पूरे ऐसे किसी साधु बाबा की तरह नजर आते थे, और तब लगता था कि ये सब क्या क्यों कर रही है माँ। लेकिन क्योंकि माँ को तब पता था कि क्या चीज अच्छी है, और जो नेचुरल उपाय, उस समय उतने पैसे भी नहीं होते थे कि आप महंगे कुछ शैम्पू वैम्पू खरीदो, तो वो हमेशा यही सोचती थी कि जो इजीली अवेलेबल है और जिसके फायदे भी होते हैं तो वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। और क्योंकि उन्होंने, उनकी अपनी माओ ने भी इसका इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनकी जानकारी उन्हें थी और वही आगे हम लोगों को मिली। लेकिन मैं आगे अपने बच्चों को नहीं दे पाई, तो कोई बात नहीं। मैं जब वो देखते हैं कि हाँ माँ के बाल अच्छे हैं, तो वो भी सोचती तो है जरूर मेरी बेटियां कि हम भी इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि टाइम नहीं होता है, बिजी रहते हैं, तो शैम्पू से का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ठीक है, मुल्तानी मिट्टी एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक उपाय है जिससे बाल आपके नरम मुलायम रहेंगे। डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर हो जाएगी, बालों को घना, मजबूत और सुंदर बनाएंगी, बनाती है मुल्तानी मिट्टी। उसके अलावा अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं तो उनके अंदर भी जान आ जाएगी। एक नेचुरल कंडीशनिंग है, नेचुरल एक क्लीनिंग एजेंट है जिसको आप इस्तेमाल करो, तो धूल मिट्टी जो बालों में चिपचिपापन है वो निकल जाएगा। तो बहुत सारी इसके फायदे हैं मुल्तानी मिट्टी के। और आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कमर्शियल वे में भी होता है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल नेचुरल वे में करना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी लाइए, उसको भिगोइए और उससे अपने बाल धोइए। इसके अलग अलग पैक्स बन सकते हैं, आपकी बालों की क्या समस्या है उससे संबंधित इसका पैक तैयार होता है। अगर बाल रूखे और बेजान है तो आप दही डाल के अपने बालों को धो सकते हैं, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में मैंने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है, तो एलोवेरा के तो अपने ही फायदे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। तो आप देख सकते हैं कि बाल काफी अच्छे लग रहे हैं और मुल्तानी मिट्टी के प्रयोग से, और मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं देखती हूँ कि बाल अच्छे हो गए, घने, और लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि आपके बाल बहुत सुंदर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही सोच के कि जिससे मुझे फायदा हो रहा है क्यों ना आपको बताया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि मैंने कैसे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल अपने बालों को धोने में किया है, और बाल मेरे कैसे अच्छे, साफ, सुंदर और बढ़िया लग रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मुल्तानी मिट्टी जो नेचुरली ऐसी ही मिलती है, इसी आकार और रूप में मिलती है। जो बाज़ार में आप पैकेट वाले लेते हैं वो पाउडर की हुई होती है, और अगर आप चाहे तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो ये रॉक फॉर्म में ऐसे मिलती है और इसमें लेयर्स होते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के टुकड़े कर लीजिए और उसको पानी में आप जब भिगो लेंगी तो वो अच्छे से भीग जाती है और बिल्कुल नरम मुलायम पेस्ट जैसा उसका बन जाता है। उसको जब आप फेंटेंगे तो वो पेस्ट जैसी बन जाएगी। इसको आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मिट्टी लेके उसको हल्का सा आप क्रश कर लीजिए ताकि भीगने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और उसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मिट्टी को आप भिगो के आप रख भी सकते हैं, एक बार भिगो लें, दो बार, तीन बार यूज़ कर लें, वैसा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने मिलाया है एलोवेरा का जेल, क्योंकि बाल अगर रूखे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बालों में नेचुरल ऑयल कम हो जाता है, रूखे और बेजान लगते हैं बाल, तो इसलिए मैंने उसमें एलोवेरा का जेल डाला है। और मैंने 2 चम्मच ये भीगी हुई मिट्टी ली है जो मेरे बालों में काफ़ी रहेगी। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और लंबे हैं तो आप और ज़्यादा लीजिए।
एलोवेरा जेल डाल के इसको और अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ पर जो एलोवेरा का जो पल्प है वो फ्रेश है, आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसका पतला पेस्ट बना लूँगी, बहुत ऐसा पानीदार नहीं बनाना ताकि वो गिरे, थोड़ा सा थिक ही कंसिस्टेंसी रखनी है और उसको फिर हम बालों में अप्लाई करेंगे। तो बालों में मैं लगा चुकी हूँ खुजानी मिट्टी का लेप, और इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद मैं हल्के गर्म गुनगुने पानी से सर धूप डालूंगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी की तकलीफ है तो कोशिश कीजिए कि सर्दियों में हम मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग ना करें, और गर्मियों में ही, क्योंकि इसमें ठंडक होती है तो इसलिए गर्मियों में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपके सर को ठंडक भी मिलेगी और बाल भी तो सुंदर हो ही जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद मैं हल्के गर्म पानी से सर को धो डालूंगी और उसके बाद अपना एज यूजल उसका पानी, मैं आंवले का पानी जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ एज ए रिंस, वो इस्तेमाल कर लूंगी। तो अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप कोई और कंडीशनर यूज कर सकते हैं बालों में, तो ताकि वो, क्योंकि कई बार मुल्तानी मिट्टी से बाल रूखे हो जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी, आपके बाल काफ़ी ऑयली हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सस्ता घरेलू उपाय है बालों में से वो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने का, तो जो बाल चिपके चिपके रहते हैं उसमें आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। और अगर रूखे बाल हैं तो आप उसमें, जैसे कि हमने एलोवेरा इसमें मिलाया है, आप दही का प्रयोग भी कर सकते हैं, दही मिला के आप इसका घोल तैयार कीजिए और वो फिर बालों में उसका लेप लगाइए। तो ठीक है, फिर 20 मिनट का इंतज़ार करके मैं बाल धोती हूँ, सुखा के फिर दिखाऊंगी कि बाल कितने अच्छे हो गए हैं।